हम भी जब आ रहे थे तो बातचीत शुरू हुई और जाहिर है कि उसी ट्रेन में एसी फर्स्ट क्लास है, एसी सेकंड क्लास है, एसी थर्ड क्लास है या एसी थ्री टीयर जिसको कहते हैं, स्लीपर है, और उसी ट्रेन में जनरल बोगी भी है जिसमें हम और आप तमाम लोग यहां पर बैठ के आए हैं। ठीक बात है कि नहीं? ठीक, सही। तो हम एक हिसाब लगा रहे थे, जहां हम लोग खड़े थे और बैठे थे वहां हम लोग करीब 25 लोग थे, और उसी जगह में स्लीपर जो होता है उसमें करीब 8 लोग चढ़ते हैं और 8 लोग सोते हैं। तो हमने हिसाब लगाया कि जनरल का टिकट 290 रुपया का होता है। वो अलग बात है कि हम लोगों ने टिकट नहीं खरीदा है, अधिकांश लोगों ने, लेकिन 290 का टिकट होता है और उसको अगर 25 से गुना करें तो कितना होता है, एक हिसाब ये लगाया। और फिर हमने लगाया कि जो स्लीपर वाले हैं जो 500 रुपए का टिकट लगाते हैं वो 8 लोग आते हैं और उनसे कितना सरकार को पैसा जाता है। तो हिसाब में ये पाया हम लोगों ने कि हम लोगों ने ज्यादा पैसा दिया है। अगर जनरल बोगी में टिकट आप खरीद के आते हैं तो 72 सीट की जगह पर वहां 200-250 लोग एक बोगी में चढ़ के आते हैं, और जब हम लोग रैली में आते हैं तो अलग बात है, लेकिन अमूमन यही देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ जो स्लीपर बोगी है उसमें लोग कम पैसा देकर फैल से आते हैं। यही हालत अपने देश की भी हो गई कि जो मेहनत करने वाले हैं, जो देश बनाने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, अन्न उपजाते हैं, जो देश को ज्यादा देते हैं अपने खून पसीने से, उनको वापस बहुत कम मिलता है। और जो ऐशो आराम वाले हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, तनख्वाह मोटी मोटी पाते हैं, जो संसद में बैठते हैं, अपने नेतागण हैं, उनकी मेहनत बहुत कम, लेकिन उनको जो रिटर्न कहते हैं यानी देश उनको कितना देता है वो बहुत ज्यादा देता है। ये आप भी महसूस करते होंगे जब खेत में खटते होंगे, या नरेगा में जब मजदूरी करते होंगे, या घर बनाने का मजदूरी करते होंगे, तो आपको भी लगता होगा कि ब्लॉक का कर्मचारी या जिला का कर्मचारी आराम से एक टेबल पर बैठा रहता है, 11 बजे से पहले दफ्तर नहीं आता है, और जब आप काम के लिए जाते हैं तो वो बार बार चाय पीने के लिए बाहर जाता है और 4 बजते बजते उसका काम खत्म हो जाता है। ये देखने में आया है। तो ये एक ऐसे समाज की हम लोगों ने रचना कर दी है जिसकी कल्पना हम लोगों ने या हमारे देश के बनाने वालों ने, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने ये कल्पना नहीं की। हमारी जो आर्थिक नीति है वो किसानों और मजदूरों के खिलाफ है। मैं एक उदाहरण देके दूसरी बातों पर आऊंगा। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी पहली बार पार्लियामेंट पहुंचे और उन्होंने संसद में भाषण दिया, तो उन्होंने क्या कहा? यहाँ पर मैं जानता हूँ कि उत्तर प्रदेश और बिहार से बहुत से ऐसे हमारे साथी आए हैं जो रोजगार गारंटी का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही जो शायद आपने नहीं सुनी होगी, आप टीवी नहीं देखे होंगे उस वक्त। मैं उस वक्त टीवी देख रहा था, बात अखबारों में भी आई। नरेंद्र मोदी ने कहा कि नरेगा में मजदूर गड्ढा खोदता है और फिर उसी गड्ढे को भर देता है। नरेगा में मजदूर गड्ढा खोदता है और फिर उसी गड्ढे को भर देता है। तो साथियों, यहाँ जो आप हजारों की संख्या में आए हैं आज, और उसमें से कई नरेगा मजदूर हैं, तो बताइए आप ऐसा करते हैं क्या? करते हैं क्या? तो देश का सबसे बड़ा नेता संसद में सरासर झूठ बोलकर निकल जाता है, ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। वो कहता है कि हम लोग, यानी वो कह रहा है कि हम लोग काम चोर है। उसने आज तक
आज तक गांव के किसी ग्रामीण सड़क का जहां रोजगार गारंटी का काम होता है, या गांव के पोखर का जहां पर लोग सुबह से लेकर रात तक कड़ी मिट्टी हो तो वो 80 घन फुट करता भी नहीं है और पूरी मजदूरी मिलती भी नहीं है, उसको वो देखने आज तक नहीं आए। लेकिन फिर उनके मुंह से ये बात निकलती क्यों है, ये सोचने वाली बात। वोट तो आप देते हैं उनको, ट्रेन में ज्यादा जनरल बोगी वाले रहते हैं या ज्यादा एसी बोगी वाले रहते हैं बताइए? ट्रेन में ज्यादा आदमी जनरल बोगी में चढ़ता है कि ज्यादा एसी में चढ़ता है? जनरल में चढ़ता है, ठीक बात? ठीक। लेकिन वोट तो हम ही लोग से पाते हैं, सरकार तो हम ही बनाते हैं, फिर भी नरेंद्र मोदी जी ने मजदूर और किसान विरोधी बात क्यों की, यह मुझे अचरज में डाल देने वाली बात थी कि वो संसद में आते हैं, झूठ बोलते हैं और मजदूर विरोधी बात करते हैं, ये क्यों कहते हैं, ये समझने वाली बात है। पर अगर ये हम समझ जाए मजदूर किसान, तो हमें किसे सत्ता से उतारना है और किसे सत्ता पर लाना है, इसकी पहचान भी हमको हो जाएगी। दोस्तों, बात यह है कि जब नरेगा जैसे कानूनों में, खाद्य सुरक्षा कानून हो, रोजगार गारंटी कानून हो, ऐसे तमाम जो कानून हो, वन अधिकार कानून है, ऐसे जो तमाम कानून है जो खासकर उन लोगों के लिए है जो इस देश का वंचित तबका है, यानी मजदूर किसान है, छात्र नौजवान है, ऐसे जो तमाम चीजें हैं, यानी सरकारी अस्पताल से लेकर सरकारी स्कूल तक, ये चलाने में पैसा खर्चा होता है ना, इसको चलाने में पैसा खर्चा होता है। लेकिन क्या सरकारी स्कूल में कोई भी पैसा वाला का बेटा बेटी जाता है बताइए? जाता है क्या? नहीं जाता है। जिस तरह से ट्रेन में अलग अलग तरह की बोगियां हैं, अभी बहुत सारे लोग गांव से आए हैं, उनको पता नहीं होगा या पता भी होगा, अगर आप शहर में देखेंगे तो जितना पैसा उस तरह से स्कूल है, एक तो सरकारी स्कूल तो है ही, सभी जानते हैं, उसके बाद एक टीन के छप्पर वाला स्कूल है जिसमें एक मास्टर रहता है और कुछ विद्यार्थी रहता है, उससे बेहतर स्कूल है जिसमें कंक्रीट का दीवार भी रहता है और हो सकता है कि ऊपर छप्पर भी ठीक ठाक हो, वैसा भी स्कूल है। ऐसा भी स्कूल है जिसका सभी क्लासरूम, और हमारे साथी बहुत लोग अररिया से आए हैं इसलिए मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि जब आप जाते हैं पूर्णिया की ओर जाते हैं तो पूर्णिया में गोयनका स्कूल खुला है जिसका बस भी एसी है, यानी जो विद्यार्थी, जो बच्चा बस से स्कूल जाता है अपने घर से, वो भी बस एसी, स्कूल एसी, क्लासरूम एसी और उन लोगों का घर भी एसी, ठीक है ना बा? तो यही व्यवस्था जो है, हर तरफ यही व्यवस्था है, अस्पताल में भी यही व्यवस्था है और स्कूलों में भी यही व्यवस्था है। हमारे जो बच्चे हैं वो सरकारी व्यवस्था में जाते हैं जहां सरकार को पैसा खर्च करना पड़ता है, और बाकी लोगों के जो बच्चे हैं, जो बड़े बड़े कर्मचारी हैं, जो IAS अफसर हुए, जो कंपनी के मालिक हुए, जो बड़े बड़े मिल में काम करते हैं उनके अधिकारी हुए, इन तमाम लोगों के लिए अलग व्यवस्था है, स्वास्थ्य के लिए अलग व्यवस्था है, शिक्षा के लिए अलग व्यवस्था है, रोजगार के लिए अलग व्यवस्था है। तो जो पैसा हम पर खर्च होता है, जो सरकार हम पर खर्च करती है, इनको अच्छा नहीं लगता है, इनको अच्छा नहीं लगता है कि हमारे गांव के लोग अपने गांव में ही काम करके खट के अपनी मजदूरी निकाल लेते हैं, क्योंकि मजदूरी कौन करता है? मेहनत करने वाला, कुदाल चलाने वाला, और ऑफिस में बैठने वाले मेहनत नहीं कर सकते हैं, वो मिट्टी नहीं काट सकते हैं, वो महिलाएं और पुरुष मेहनत नहीं कर सकते हैं जिस तरह से आप तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं मेहनत कर पाते हैं। तो उनको लगता है कि ये पैसा बर्बाद हो रहा है, उनको लगता है सरकारी अस्पताल बंद हो जाए, उनको लगता है आंगनवाड़ी बंद हो जाए, उनको लगता है कि स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है वो बंद हो जाए, नरेगा बंद हो जाए, ये खाद्य सुरक्षा कानून जो चलता है जिसमें 2 रुपया और 3 रुपया किलो के हिसाब से अनाज मिलता है वो बंद हो जाए,
और इसके लिए वो अपनी तरफ से जोर लगाते रहते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने यानी भाजपा की सरकार ने जब ये कहा कि नरेगा बकवास स्कीम है, पैसे की बर्बादी है, वो किसकी बात कह रहे थे? वो किसकी बात कह रहे थे? वो कह रहे थे उन पूंजीपतियों की बात जो नरेंद्र मोदी जी पर दबाव डाल के उनके पार्टी को चंदा दे के उनको तमाम तरह से उनको अपने झांसे में लेके ये कहते हैं कि आप मेरी बात सुनिए और इन तमाम स्कीम को बंद कीजिए। और ये मैं कहना चाहता हूं, ये संविधान के सरासर खिलाफ है। संविधान में जो सबसे बड़ी बात है हमारी, वो है न्याय और समानता की। और न्याय और समानता की बात के चलते ही आज हमारा सरकारी स्कूल है, आज हमारे पास सरकारी अस्पताल है, आज हमारे पास नरेगा जैसा स्कीम है, खाद्य सुरक्षा जैसा स्कीम है। बहुत कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ है, क्योंकि हमारा संविधान हमें ये कहता है, हमारे राज्य को ये कहता है कि राज्य को हमारी और आपकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये राज्य की जिम्मेदारी है कि एक अगर इंसान पैदा होता है हिंदुस्तान में, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, दलित हो या कोई और हो, सभी की देखभाल राज्य करे, ये हमारा संविधान कहता है। और उसी संविधान को ये लोग झुठलाने पर तुले हुए हैं। और इसीलिए आप जानते होंगे कि हमारी ये जो पार्टी है, जो सत्ता में बैठी है, वो हमारी नहीं सुनती है, बल्कि कुछ उद्योगपति की सुनती है, अडानी और अंबानी। और ये उद्योगपति, जैसा कि प्रिया ने कहा पहले भी, कि हमारे जल जंगल और जमीन, इसको, इससे खनिज निकाल के जल को बड़ी बड़ी कंपनी को बेच के, पेप्सी कोला और फैक्ट्रियों को बेच के, नदी को गंदा करके ताकि मछुआरे के लिए मछली ना रह जाए, और जमीन, जमीन की बंदरबाट, यहाँ हमारे साथी महाराष्ट्र से आए हैं और कई जगह से आए हैं, वो आपको बताएंगे कि सरकार कैसे कोड़ियों के भाव जमीन कंपनियों को दे देती है। इसलिए ये पूरी साजिश है, इसको समझना पड़ेगा। और इसीलिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि संविधान में जो समाजवाद की बात है, बराबरी की बात है, न्याय की बात है, उसको आज हम लोग जनता तक ले जाएंगे।